नमो नारायण जी। मैं आपका मित्र नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। मित्रों, आज मैं आपको खास एक बात बताने जा रहा हूँ। बड़े शांत मन से, ध्यान से, एकाग्र होकर सुनिएगा। बहुत सारे लोग ज़्यादातर एक बात कहते हैं, नारायण जी मेरा काम बनता ही नहीं। बनते बनते रुक जाता है, क्या कारण है? बहुत लोग आते ही कहते हैं, नारायण जी कब मेरे पीछे से को ये ग्रह कब दूर होंगे, कब मेरा अच्छा टाइम शुरू होगा, कब मेरे दिन अच्छे आएंगे। ये इसका एक कारण है, इसकी आप गहराई में जाएं, जड़ में जाएं। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही तो उसका कारण कहीं आप खुद तो नहीं है, कहीं आपकी जो सोच है, कहीं वो स्वयं की सोच ही तो कहीं ऐसा नहीं जो आपको डुबो रही है, बार बार पीछे लेके जा रही है। आप चार कदम आगे बढ़ते हैं, फिर तीन कदम पीछे, फिर पांच कदम आगे बढ़ते हैं, चार कदम पीछे। जिंदगी की जो स्पीड है, जो तरक्की की स्पीड है, जो लाइफ की, जो रॉयल लाइफ की तरफ जाने की जो स्पीड है, वो बैक अगर आ रही है बार बार, तो उसके पीछे कहीं आपके अपने विचार तो नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर आप देखिएगा, ज़्यादातर आप क्या कहते हैं, मेरा काम लगता नहीं, ये काम बनेगा, पहला कारण। दूसरा, बार बार ऐसा सोचते होंगे, ऐसा बोलते, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, नारायण जी मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, नारायण जी हमारे बेटे के नंबर इस बार मुझे नहीं लगता अच्छे आएंगे। इसको नेगेटिव सोचने, इसको विचारों की पावर कहते हैं, टेलीपैथी पावर है ये। एक तरीके की एक ऐसी एनर्जी है जो आप चाहते हैं अपने लक में, उसके विपरीत वर्ड आप यूज कर रहे हो। अगर आपने बोला कि मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी ये मीटिंग शायद सक्सेस नहीं होगी, शायद मेरी मीटिंग ये सक्सेस नहीं होगी, अगर ऐसे विचार, ऐसी सोच बार बार आ रही है, तो मीटिंग सक्सेस नहीं होगी। बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। मेरे को मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मतलब नहीं करती। मेरे को मेरे दोस्त से संबंध अच्छे नहीं है, वो मेरे लिए गलत सोचता है, यानी वो गलत ही सोचेगा। वो दिन, जिस दिन आपने इसके विपरीत सोचना शुरू कर दिया कि मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा है, यकीन मानिए आपकी जो ब्रेन की पावर है, जो सोच है, वो आपके उस गलत दोस्त को भी ठीक कर सकती है। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी खास व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, दोस्त के बारे में, अपने ताए चाचू के बारे में, अपने किसी रिलेटिव के बारे में, आप ऐसा सोचते हैं कि यार बड़े दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई, और आप यकीन मानिए बैठे बैठे उसका फ़ोन आ जाता है, बैठे बैठे चलते चलते सामने वो व्यक्ति मिल जाता है थोड़ी देर बाद में, और आप कहते हैं, अरे यार आपके बारे में सोच रहा था, आज आपको मैं याद भी कर रहा था, आपका फ़ोन आ गया। यानी कि कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें, एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके और हमारे बीच में संबंध बनाती है, जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल को आप फोकस कीजिए, वो एनर्जी लेवल आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। तो मेरा आपको ये कहना है कि जैसी आप सोच अपने माइंड में बनाएंगे, जैसी आप प्लानिंग अपने माइंड में बनाएंगे, आपने ये माइंड सेट कर लिया कि मेरा ये काम बन जाएगा, मेरी ये मीटिंग सक्सेस हो जाएगी, मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, ये बहुत अच्छा है, सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, बहुत अच्छा है, वो आदमी बड़ा ही अच्छा है, वो इंसान वाकई में बहुत अच्छा है। जैसे ही आपने अपने माइंड को 100% मैसेज दिया, सामने वाला आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, नारायण जी मैंने ये फॉर्मूला आजमाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इट्स मीन्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट था। आपने कहा, नारायण जी मैंने आपसे नीलम लिया, मुझे फायदा नहीं मिला। आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज के प्रति उतना फेथ नहीं था। जिस दिन आपका उस चीज के प्रति ये फेथ हो कि ये रतन मुझे काम करेगा, ये माला मैंने पहनी है, ये मेरे लिए लकी है, नारायण जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे को काम बनेगा, जो आपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, मेरा काम बनेगा, मुझे मेरे दादाजी ने गुड लक बोला, गुड विशेस दिए, तो मेरे लिए अच्छी है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे नाना ने, मेरे नानी ने, मेरे मामा ने मेरे को गुड विशेस भेजी है, मतलब वो गुड विशेस है। आप यदि उसको एक्सेप्ट करेंगे अंदर से, हार्ट से, दिल से,
यकीन मानिए वो गुड विशेस आपके लिए वर्क करेंगी, वो काम बनेगा। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपने एक मेरे कोई मित्र हैं, वो मेरे पास आते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, नारायण जी ये मूवी तो मेरे हाथ से निकल गई, ये डायरेक्टर तो मुझे ये मूवी नहीं देगा। ऐसा कई बार हुआ, तो ऐसा ही होता रहा। जब मैंने उन्हें समझाया कि आपको ये मूवी मिल रही है और आप अपना माइंड मेकअप करो कि इस मूवी में आप हीरो हो, आप इसमें हीरोइन हो, तो यकीन मानिए उन्होंने वो चीज़ करनी शुरू की और उनको वो उस मूवी के अंदर रोल मिले, उस सीरियल्स में रोल मिले और वो आज सक्सेस हैं। सो मनी क्लाइंट, सो मनी पर्सन जिनको हमने ये रेमेडी कराई कि आप दिल से जुड़ो, काम होंगे, एक्सेप्ट करो कि मेरा ये काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बस आपकी सोच 100% पॉजिटिव हो, फिर देखो कमाल है। नारायण जी से जुड़े रहिए, YouTube चैनल पे आप मुझे नारायण नारायण एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण के नाम से सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ के नाम से सर्च कर सकते हैं और नारायण भविष्यवाणी के नाम से सर्च कर सकते हैं। मित्रों तो मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।